भैया आज है लॉकडाउन का तीसरा दिन यानी कि 25 मार्च और अभी हम जा रहे हैं मार्केट अपने साइकिल से, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद हमको साइकिल मिला है। और देखते हैं कि बिहारीगंज बाज़ार में लॉकडाउन का क्या असर है, क्या वहाँ पे सब्जियाँ महंगी हो गई है, क्या ज़्यादातर लोग नज़र नहीं आते रोड पर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शहरों में आदमियाँ नज़र नहीं आ रही है, तो हो सकता है बिहारीगंज में भी आदमियाँ नज़र नहीं आ रहे होंगे। अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, तो इस वीडियो में बने रहे ताकि हम बिहारीगंज की जो है क्या सब चल रहा है बिहारीगंज वो आपको लाइव दिखा सकें। तो चलिए चलते हैं बिहारीगंज। सो भैया हमको लगा कि बिहारीगंज में कोई नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन देख रहे हो इधर तीन तीन लड़के बैठ के जा रहे हैं। सो भैया ये है बिहारीगंज का थाना और यहाँ पर देखो तो मतलब कि आगे में बैरियर लगा दी गई, मतलब कि रोड को जाम कर दिए गए हैं बेंच को लगा करके, या तो फिर ये कह लो जो पुलिस जिस पे लिखा हुआ है मधेपुरा पुलिस, उसको लगा करके जाम कर दिए ताकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल साइकिल इधर से ना गुजरे। तो भैया हम आ चुके हैं अभी बिहारीगंज थाना के पास और यहाँ पर जो है सभी गाड़ियाँ हो या चाहे जो हो इधर रोक रही है, इधर सब जगह को इसको सब लोग जो इसको रोकने में, पुलिस यहाँ पे रोकने में लगी हुई, इधर से साइकिल तक गुजरने नहीं दे रहे थाना के बगल से। आपको जाना है तो घूम के जाओ बस। तो यहाँ पर जो है सिर्फ पैदल आदमी इधर से गुजर रहा है थाना के बगल से, मतलब कि पूरा तरह से इधर थाने के बगल में जाम करके रखे हुए रोड को, मतलब कोई इधर से नहीं गुजर सकते, पैदल तक को घुरा देते हैं, बस एक आध आदमी को जाने देते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन कोई बात नहीं यार हमको निकलने दे दिए बहुत है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो भैया बाज़ार में सब कुछ बंद है लेकिन सब्जी फल सब खरीद सकते हैं, बहुत सारे भीड़ भी है इधर, ये देखो पूरा तरह से भीड़ लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे कोरोना वायरस का किसी को डर ही नहीं है। सो भैया हम आ गए सब्जी मंडी और ये है सब्जी मंडी हमारा, इसे इस मंडी को कहते हैं हम लोग गुदरी बाज़ार, यहाँ पर सब्जियाँ सब मिलती है, यहाँ पर सब्जियों की दुकानें खुली हुई है और सब्जी में पता नहीं सब्जी का रेट घटा या बढ़ा है, क्योंकि मैं पहले कभी सब्जी खरीदा ही नहीं था, तो जो भी हो मैंने सब्जियाँ ले लिया। अब चलते हैं किराना की दुकान में, कुछ चीनी उनी सब लेना है हमको, चलो हमने यहाँ से चीनी भी ले लिया और अब चलते हैं घर की तरफ। सो भैया बाज़ार घुमाए और बाज़ार की जो बसें थी जितनी भी वो सारी बसें पेट्रोल पंप पे आके लगा दी गई हैं ताकि बाहर ना जा सके, ये सारी बसें पटना जाती थी जितनी बड़ी बड़ी बसें हैं, ये सभी बसों को पेट्रोल पंप के सामने लगा दिया। और उधर साइड में आपको दिख रहा होगा पुलिस का जो है ये लगा हुआ है, मतलब इधर से जो है गाड़ियाँ क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ठीक। लेकिन बिहारीगंज में हर जगह भीड़ तो नज़र ही आ रही है यार, बड़े बड़े शहरों में आदमी को निकलने तक नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पर क्या है यार सभी को निकलने दे रहे हैं, सभी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल साइकिल सब लेके जा रहे हैं। एक हम सोचे कि यार बाज़ार में गाड़ियाँ नहीं जाने देते होंगे इसलिए हम साइकिल लेके निकले थे घर से, लेकिन वहाँ तो उल्टा ही हो गया यार, सारे लोग गाड़ियाँ से जा रही थी बट हम सिर्फ साइकिल से गए थे। तो कोई बात नहीं, साइकिल भी चलाने का मज़ा अलग है, एक तो रेंजर साइकिल था हमको चलाने में अच्छा लग रहा था इसलिए हम साइकिल ले लिए। अभी फ़िलहाल में घर निकलने वाले हैं क्योंकि यार बाज़ार में हमको लगा कि भीड़ नहीं होगा लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर भी। यार सरकार ने क्या सब नहीं किया यार, क्या बंद कर दिया सरकार ने, ये लॉकडाउन किया लेकिन लॉकडाउन का मतलब शायद इन लोगों को पता नहीं है। ये देख रहे हो अभी पेट्रोल पंप के पास सिर्फ यहाँ पे उतना लोग नज़र नहीं आ रहे लेकिन फिर भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है इधर। तो इधर लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन ट्रक इधर से गुजर रही है, देखो वो लड़का क्या घिसकाने के लिए जो लगाते हैं ना, मतलब रोड जाम करने के लिए पुलिस वाला, और सभी को जो ये सब मिलके हटा दिए और इधर से ट्रक निकाल रहे हैं, मीन्स यार कोई यहाँ पे रूल नियम है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अपने को क्या है यार, चलते हैं घर। सरकार क्या कर रही है पता नहीं यार, पुलिस लगाना चाहिए था हर जगह पे, जहाँ जहाँ नाकाबंदी किया है बट वहाँ कोई पुलिस नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं यार, हम लोगों को भी फॉलो करना चाहिए था, लेकिन देखो वहाँ पर सभी लड़के जो हटा दिए उधर से और उधर से ट्रक गुजर रहे हैं, बट कोई नहीं। अब हम चलते हैं घर क्योंकि हो गया आज शाम, हमने सब्जी वब्जी सब ले लिया बाज़ार से और चलते हैं घर। और इस वीडियो को इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। आप लोग कोरोना वायरस के खिलाफ कुछ जंग जो छिड़ी है उसमें साथ दीजिए, नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि मतलब जो है उसके खिलाफ जो जो ये किए बंदी किए हैं मतलब लॉकडाउन किए हैं शहर में उसका पालन कीजिए यार, कोई पालन ही नहीं कर रहे यार, सब देख रहे हैं रूल को तोड़ने में लगे हुए हैं, ट्रक गुजर रही है, बस लगी हुई है, तो क्या हो गया ट्रक उरक सबको जाने दे रहे, क्यों जाने दे रहे पता नहीं चला, बट कोई बात नहीं, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।